उस्मान को खसरा हो गई तो पूरे ये भर गए थे दाने से, इनका फेस वेस सब पूरा जिस्म भर गया था। तो फिर बाद में पता चला इनके ना खसरा थी, पर उस वक्त इनको टीका नहीं लगा था खसरा का। फिर अगर होता कि हमारे पास कोई मैसेज आता कि भाई आप लगवा लो तो हम लगवा लेते, लगवाते तो क्या पता नहीं होती इनको। मैं एज ए वैक्सीनेटर 2005 से काम कर रहा हूँ। जिंदगी महफूज प्रोग्राम आने से पहले हम इसकी एंट्री अपने जो डेटे की पहले डेली रजिस्टर में करते थे। अच्छा, डेली रजिस्टर में करने के बाद उसको फिर हम परमानेंट रजिस्टर में करते थे, ठीक है। फिर उसका मंथली हम ग्राफ चढ़ाते थे और उसमें से फिर हम डिफॉल्टर निकालते थे, चुन चुन के आया किस बच्चे को वैक्सीन लगी और किसको नहीं लगी। अब जो हम डेटा एंट्री करते हैं, बच्चे का एक बार बायोडाटा उसमें आपने डाल दिया, उसको कौन सी वैक्सीन लगनी है वो सिस्टम खुद ब खुद निकाल के बता देता है। इंजेक्शन लगवाने के बाद वालदेन से कोई रबता हमारा होता नहीं था, कि वालदेन लगवाने के बाद अक्सर तो ऐसा होता है भूल जाते हैं काम की मसरूफियात में, ख़वातीन घर की मसरूफियात में। ज़िंदगी जो महफूज की जो हमारे पास मैसेज आते हैं उनसे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम कभी भूल जाते हैं तो उनका जैसे एक दिन पहले आ जाते हैं कि आपको आना है, तो उससे ये हो जाता है कि हमें कल लाजमी जाना है टीका लगवाने, इससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है। ज़िंदगी महफूज इज़ अ डिजिटल इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री डिज़ाइन टू इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड टाइमलीनेस इन लो रिसोर्स एनवायरमेंट्स। Through recording and analyzing program data digitally, it enables real-time monitoring and accountability. वालदेन के लिए जिंदगी महफूज के अंदर एक अवेयरनेस सेशन है या अवेयरनेस की बातें हैं उसके अंदर, और वो ये हैं कि जब भी इनका बच्चा अगर टीका लगवाना नहीं आएगा और उस बच्चे के पास इम्यूनाइजेशन कार्ड हमारा जो होगा उसके अंदर ऊपर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो वो क्यूआर कोड जो है ना इसको ट्रैक करेगा बच्चे को। अगर वो नहीं आते फिर भी उनको हम लोग सेल मैसेज करके उनको अवेयर करके उनके टेलीफोन नंबर वगैरह भी उस क्यूआर कोड में हमारी रजिस्ट्री में हैं, थ्रू एसएमएसेज ये अवेयरनेस उनको दे सकते हैं कि आपके बच्चे का टीका ड्यू है और मेहरबानी करके आप आके लगवाएं। आईआरडी और इंडस ने जो है ये इसको सिंध भर में फैलाने में हमें ये मदद की है कि ये लोग हमें डैशबोर्ड्स बना के देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो हम लोग सिंध में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी उसकी वैक्सीनेशन मैंने खुद अपने हाथ से की है। जब अपने बच्चे को मैंने लगाया उसका हाथ पकड़ के, जब उसको BCG मैंने निडिर उसको दिए, तो वो निडिर ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में नहीं मेरे दिल के अंदर जा रही है। तालीम के लिए, आगे अच्छे जॉब के लिए, अगर बच्चा शुरू से ही अगर वैक्सीनेट हुआ हुआ होगा तो वो इस मकाम तक पहुँचेगा, वरना वो बीमारियों में ही मुबतला रहकर वो इस मकाम तक नहीं पहुँच पाएगा। ज़िंदगी महफूज में हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके अंदर हमारा काम आसान से आसान इंशाल्लाह ताला हो जाएगा और होता चला आ रहा है। जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो काम हमारा आगे जाएगा, जब काम हमारा आगे जाएगा तो बीमारियाँ जो है वो पीछे जाएंगी।